आपसे एडेनोमायोसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके की बीमारी है। एडेनोमायोसिस एक कंडीशन है, इसमें जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग होती है, जो टिश्यू, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अंदर चली जाती है, उसके मसल के अंदर चली जाती है, गर्भाशय के मसल के अंदर। गर्भाशय की कई लेयर होती है, अंदर की लेयर पतली होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद बाहर थिक मसल होते हैं, उसके अंदर वो चले जाते हैं, एंडोमेट्रियम चल जाती है और वहाँ वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो एक्टिव रहते हैं। सेल वहाँ जाकर के भी एक्टिव होती हैं और हर महीने जब मासिक होता है तो वहाँ उन वो सेल डिस्चार्ज होता है, वहाँ भी उनका ब्लड का वो वहाँ जमा होता है और वो गांठ जैसी बन जाती है और वो पेनफुल होती है काफ़ी, और इसी को एडेनोमायोसिस कहते हैं। तो इस बीमारी का कोई कारण भी हो सकता है, किन कारणों से होता है? एक्चुअली इसका कोई डेफिनेट कारण पता नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर इससे को रिलेट किया गया है। तो इसके लक्षण शरीर पर क्या दिखाई देते हैं कि एक महिला को समझ जाना चाहिए कि इसे ये बीमारी हुई है? उस महिला को मासिक के समय बहुत दर्द होता है, हेवी मेंसेस होती हैं, कभी कभी अगर ये बीमारी थोड़ी बढ़ जाए तो पखाना करने में, पेशाब करने में भी दर्द होता है और साथ रहने में संभोग के समय भी बहुत दर्द होता है और पेड़ों में दर्द होना और कमर में, नीचे कमर में दर्द होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्रॉनिक पेल्विक पेन इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, जिसे हम लोग ऐसा कहते हैं कि महिला को पेल्विस में, जो कुल्हे की हड्डी के अंदर के जितने ऑर्गन हैं, जेनाइटल ऑर्गन, उस जगह पर उसको बराबर दर्द होते रहता है और वो दर्द कभी कम कभी ज़्यादा, कभी उसे बहुत तकलीफ होती है, वो लंबा खींचते चला जाता है। तो इस दर्द, जैसे कि बहुत सारा देखा भी जाता है कि महिलाएं बहुत इग्नोर कर देती हैं, तो घर पर भी कुछ कर सकती हैं अगर इसमें हो रहा है तो? नहीं, उस महिला को तो इग्नोर कर ही नहीं पाती हैं, वो इतनी कष्ट में होती हैं कि वो ज़रूर डॉक्टर से मिलती हैं, फिर डॉक्टर अपनी जांच वाँच करते हैं, क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ज़रूरत पड़ा तो MRI या CT स्कैन भी कराते हैं और इस कंडीशन की डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद इलाज की अगर बात करें तो इलाज क्या होता है, इसमें किस तरीके का इलाज किया जाता है और आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत है या फिर एक समय जब ठीक हो जाए वो समस्या तो दवाई या फिर जो ट्रीटमेंट है वो बंद करना होता है? ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ये ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि ज़िंदगी खतरे में हो, लेकिन कष्ट बहुत होता है जिसके चलते इलाज तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि एडेनोमायोसिस किस लेवल पर है, अर्ली है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि और उससे उसका स्टेज आगे बढ़ा हुआ है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। उसमें दवाओं से, एंटी इन्फ्लामेटरी से, हार्मोन से, या फिर और ज़रूरत नहीं हो रहा उससे ठीक तो सर्जरी से इलाज किया जाता है। इसके डायग्नोसिस में कई बार थोड़ी सी दिक्कत आती है कि और दूसरे कई कंडीशन होते हैं जिनसे इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें इस बीमारी का पता कंफर्म करके फिर उसी हिसाब से, उसके स्टेज के हिसाब से, पेशेंट के एज, पेशेंट का रिक्वायरमेंट, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब फैक्टर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिला जुला के एक ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। तो ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है? काफ़ी आराम मिल जाता है, पूरी तरह तो अर्ली स्टेज होता है तो ही मान सकते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन जैसे एज बढ़ता जाएगा, एज बढ़ती जाए तो उसमें आराम हो जाता है, हार्मोन लेवल कम होने, अगर किसी को बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे आराम मिल जाता है, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन में तो सर्जरी खोजता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।